लखनऊ के लोक भवन के बाहर कुछ मुसलमान युवकों की तरफ से एक होर्डिंग लगाया गया। होर्डिंग में श्री राम की तस्वीर के साथ लिखा है, देश के मुसलमान श्री राम के मंदिर का निर्माण होना देखना चाहते हैं। खास बात यह कि होर्डिंग उस वक्त लगाया गया जब लोक भवन में बीजेपी विधायकों की मीटिंग चल रही थी। लखनऊ के लोक भवन में इसमें बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है और उसके बाहर एक होर्डिंग लगा हुआ है जिसमें कि लिखा है, देश के मुसलमानों का यही है मान, श्री राम मंदिर का हो वही निर्माण, एक ही लक्ष्य। और सबसे अहम बात है कि ऊपर जय श्री राम लिखा है, कलश बनाया और 786 का और चांद का चिन्ह अंकित है। नीचे इधर श्री राम की तस्वीर लगी हुई है। श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए ये यहाँ पर ये होर्डिंग लगाया गया है और इसमें मुस्लिम कार सेवक मंच देखिए लिखा हुआ है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद आजम खान और आगे बड़ा इम्पोर्टेंट लिखा है, राष्ट्रवादी की तस्वीर लगी हुई है। ये होर्डिंग यहाँ पर इस वक्त में प्रकट हुआ है तो इसके मायने क्या हैं, किसने लगवाया है और क्या मैसेज देने की कोशिश है, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे साथ खुद आजम खान मौजूद हैं जो मुस्लिम कार सेवक मंच के, आप क्या हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये होर्डिंग लगवाने के पीछे क्या मंशा है आपकी? अब मंशा सिर्फ राम मंदिर निर्माण है, कौम के दलालों से इसका छुटकारा दिलाना है और जिसकी दुकानें आज तक चल रही थी उनकी दुकान बंद करना है। पहले ये बताइए, मुस्लिम कार सेवक मंच ये क्या है? मुस्लिम कावर सेवक मंच ये है कि साहब खुद जा करके राम मंदिर निर्माण में साथ देगा। किसने मतलब किसके किससे साथ जुड़ा हुआ है, कौन इसमें लोग जुड़े हुए हैं? हमारे साथ मुस्लिम नौ युवक जुड़े हुए हैं, मुस्लिम नौजवान हमारे साथ हैं। मकसद ये है कि राम की कृपा से केंद्र में सरकार बनी, राम की कृपा से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। अब आप लोग एसी में बैठे और श्री राम टेंट में बैठे, ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आप लोग को सड़क पे आना पड़ेगा और श्री राम का मंदिर का निर्माण कराना पड़ेगा। आप तो वो बात बोल रहे हैं जो विश्व हिंदू परिषद के नेता बोलते हैं, वो बात आप बोल रहे हैं? ये विश्व हिंदू परिषद का मसला नहीं है, मसला ये राम हिंदुओं के नहीं है, राम मुसलमानों के भी हैं। मैं क्षत्रिय हूँ, मेरे पूर्वज क्षत्रिय रहेंगे, हो सकता है श्री राम हमारे पूर्वज हों, तो इसलिए ये मुद्दा बटा। आजम साहब यहाँ पर आप अकेले हैं, आपके साथ और भी मुस्लिम युवक हैं? मुस्लिम युवक हमारे साथ। क्या नाम है आपका? फहीम सईद जी। ये जो लगा इससे सहमत है आप इस होर्डिंग से? बिल्कुल पूरी तरीके से। ये विधानसभा देखिए, सामने विधानसभा दिख रही है, विधानसभा के ठीक सामने लोक भवन है, वहां पर ये होर्डिंग लगा हुआ है और बीजेपी की यूपी में बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और इसके साथ साथ में राम मंदिर का मुद्दा उठाया जा रहा है। कुछ मुसलमान युवक हैं जो यहाँ पर आए हैं, खुद को इंद्रेश कुमार जी से संबंध बता रहे हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं ये बता रहे हैं और इस मामले को गरमाने की तैयारी में हैं। कैमरा राहुल ध्यानी के साथ अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी, लखनऊ।